नमस्कार, फिल्म बीट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका। मी टू पर पहली बार बोली प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका ने किया बड़ा खुलासा और कहा कि मेरा भी हो चुका था यौन शोषण। बीते साल बॉलीवुड से लेकर राजनीति हलकों को हिलाकर रख देने वाले मी टू आंदोलन पर अब जाकर प्रियंका चोपड़ा ने चुप्पी तोड़ी है। पहली बार प्रियंका ने खुद के साथ हुई मी टू मूवमेंट के बारे में बात की। खास बात ये कि इस मामले पर प्रियंका चोपड़ा ने देश नहीं विदेश में भी बात की है। प्रियंका चोपड़ा हाल ही में न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंची थी। इस दौरान प्रियंका ने इस बारे में बात करते हुए अपनी कहानी को सुनाया। प्रियंका ने न्यूयॉर्क के 10वें वार्षिक महिला सम्मेलन में हिस्सा लिया। यहाँ चर्चा के दौरान ही प्रियंका ने आप बीती सुनाई। देसीगल ने कहा कि उन्हें भी यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था और उन्हें इस बारे में बोलने में कोई भी शर्म नहीं है। प्रियंका ने आगे कहा कि अब क्योंकि हम एक दूसरे को समर्थन दे रहे हैं, इसलिए लोगों के पास अब हमें रोकने की शक्ति नहीं है। प्रियंका अपनी स्पीच में यही नहीं रुकी, उन्होंने इसके आगे कहा कि हमारे पास हमेशा से कहने के लिए था, बस किसी ने हमें सुना नहीं, लेकिन अब जब हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं तो कोई हमें रोक नहीं सकता और ये एक अविश्वसनीय शक्ति है। अब अगर मेरे पास एक कहानी है और मुझे लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ और मुझे इसे बताने में कोई शर्म नहीं है। वैसे जब प्रियंका से इस बारे में पूछा गया कि क्या उनके साथ कभी यौन उत्पीड़न हुआ तो मैरी कॉम स्टार ने बेझिझक कहा कि शायद इस कमरे में मौजूद सभी महिलाओं के साथ कम से कम एक बार ऐसा जरूर हुआ होगा, क्योंकि ऐसा महिलाओं के साथ होना आम है। याद दिला दें कि अभी कुछ दिन पहले ही दंगल स्टार फातिमा सना शेख ने भी यौन उत्पीड़न की बात को कबूला था। उन्होंने बताया था कि उनके साथ भी ऐसा तब हुआ था जब वो छोटी थी। वे प्रियंका के वर्कफ्रेंड की बात करें तो इन दिनों प्रियंका चोपड़ा द स्काई इज पिंक की शूटिंग खत्म कर चुकी है और ये फिल्म इसी साल एंड में रिलीज होगी। और वहीं दूसरी तरफ प्रियंका चोपड़ा निक जोनस के साथ उनके रिश्ते में दरार आने की खबर पर बेहद नाराज है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।